जी सुबह से सफाई किया जा रहा हूँ, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, लगता है किसी की नजर लगी है, कोई मनु सुबह से आके नजर लगा गया इधर। बेटा कोई नजर वजर नहीं लगी, पता नहीं सुबह तुम नहा कर भी आते हो या नहीं, मुंह भी धोते हो या ऐसे ही दुकान पे चले आते हो। आप अपनी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है आप भी साल में एक दफा नहीं आते हो, फिर ग्राहक इधर आए कैसे। तूने ये बकवास जरूरी करनी थी, मुझे नहीं मालूम मैं साल में एक बार नहीं आता हूँ। साजी अपने शागिर्दों को भेज आकर मुझे ले जाए, अब मुझसे चला नहीं जाता। जी लगता है कोई कस्टमर आ गया है, बड़ी दूर से आया है, थका हुआ है मुझे लगता है। जाओ फिर इसको लेकर आओ मेरे बेटे, तुम भी जाओ इसके साथ। मेहरबानी उस्ताद जी। साजी आ गया कस्टमर। अब मुझे क्या घूर रहे हो, इसे कोई कपड़ा सपड़ा लगाओ। आराम से भैया, नहीं मरते तुम, नहीं मरते। अब कैसी कटिंग करनी है उस्ताद जी, ऐसी कटिंग बना दें, ऐसी कटिंग गांव वाले तो क्या मुझे घर वाले भी ना पहचान पाए। हमने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बनाया, तुम फिर भी इंसान हो, इसलिए तो आप ही का नाम सुनकर इतनी मंजिल से मैं आया हूँ। बनाओ फिर इसको। आज तुझे हनी सिंह बनाऊंगा, यो यो हनी सिंह। वो जो कहता यो यो हनी सिंह, जल्दी जल्दी। तेरी बीवी भी नहीं पहचान सकेगी। भाई अल्लाह। सरी पानी भी लगा लो। अबे तेरी सांसें चल रही हैं। जी जी उस्ताद जी अभी सांसें चल रही हैं। बनाओ फिर इसको बनाओ। ऐसा सेट पे हो, मुझे भी देखने दो। उस्ताद जी देखो बन गया है यहाँ से। हमने तो गधे को इंसान बना दिया, वाकिया इंसान बना दिया। उस्ताद जी मैं तो ऐसे दिख रहा हूँ जैसे HDSLR कैमरा हो। अब पैसे निकालो, ये लो, ये आपके, और टिप इन दोनों को दे दो। ये लो, थोड़ा सा हमारा भी हक बनता है। पैसे भी मैं बहुत सखी हूँ। खूबसूरत किसने बनाई है कटिंग? अरे यार इसका मतलब वाकया मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ। लगता है इससे मेरी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हुई। अबू डरे मत। कौन है तू? मुझे नहीं पहचाना, आपका एक लौता बेटा। के रहा मेरा पुत्र, गाया मकामान होया जो पढ़िया बते। आज असल में ना मैंने ऑफिशियल कराया है, यो यो हनी सिंह मम्मी डैडी दिख रहा हूँ, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे मुझे। कहना ये जी कटंग जैसा खोते नहीं करवे नहीं आए। नहीं हाँ बार में जाया ऐसी कटंग, और तो और मुझे अब्बू भी नहीं पहचान पाया, अभी तो बच्चे की जान गई थी।